तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साफ करने वाला कहाँ गया, ये रहा। हाँ बेटा मुझे चूचू लगा है। अच्छा बाहर चले, बाहर जा। हाँ चूचू करके रेडी। बच्चों यहाँ देखिए, काइनेमेटिक इक्वेशन। मैं भी पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ बच्चों, पता है। कोई बात नहीं, चलता है इतना। काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको तीन टाइप के काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं, पता है कौन कौन से बच्चों। देखिए वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस। ये तीन टाइप के काइनेमेटिक इक्वेशन है जिसपे जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है बेटा। अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए। दो टाइप के मेथड आते हैं, एक आता है ग्राफिकल और दूसरा क्या आता है बेटा, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले ग्राफिकल समझाता हूँ, ग्राफिकल कैसे करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है बच्चों। ये t इक्वल्स टू जीरो हो गया और ये t का वैल्यू t हो गया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ का, ठीक है, यहां में स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा आपको पता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई बाई एक्स, है कि नहीं बेटा। और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है। तो y बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, ये यहां से यहां तक होगा y कि नहीं होगा, यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक क्या बच्चों v है। तो जो बच गया वो क्या होगा, v माइनस u होगा, और नीचे वाला क्या होगा, t होगा। यहां से यहां तक क्या होगा, t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वाई, वाई में क्या होगा, वी माइनस यू, और नीचे में क्या होगा, टी होगा। सॉल्व करो बेटा, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा, यू प्लस ए टी होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा लेकिन एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको एग्जाम में सेकंड इक्वेशन देगा। अच्छा सेकंड इक्वेशन में देखिए बेटा, हाँ सेकंड इक्वेशन, अगर हमको सेकंड वाला इक्वेशन प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया क्या होगा बेटा इसका, एरिया, एरिया इसका ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ यहाँ वीटी ग्राफ क्या होगा, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ होगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल सॉरी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का एरिया होता है डिस्टेंस, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो हम इसको ब्रेथ इनटू लेंथ लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है बेटा, टी इनटू हाइट, हाइट क्या है बेटा, वी माइनस यू। अब सुनिए इधर देखिए, एस का फॉर्मूला होगा यू टी प्लस हाफ इनटू वी माइनस यू का वी माइनस यू रहने दीजिए, और ये टी है कि नहीं बेटा। तो आप मुझे बताइए ए का फॉर्मूला क्या है, वी माइनस यू बाई टी है कि नहीं, इस जगह पे है कि नहीं बेटा। तो t का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाई ए नहीं होगा, t ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, तो एक मिनट बच्चों, ठीक है एक मिनट रुकिए। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, रुक रुक गया, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इजी मेथड क्या रहेगा, कि t को t रखो, v माइनस u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, a इनटू t, t ऊपर आ गया तो at नहीं हो जाएगा क्या, तो आप v माइनस u की जगह क्या लिख दो, at लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ था, वो सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है बेटा। थर्ड इक्वेशन भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया,
सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऐसे करेंगे, देखिए आप मुझे बताओ फिर से थर्ड इक्वेशन के लिए भी, एरिया का एरिया ऑफ वीटी क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा बोलो तो, डिस्टेंस है कि नहीं, पता है कि नहीं बच्चों आप लोग को, है कि नहीं। या फिर एरिया को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आप देखो बेटा ये आपको एक ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, ये आपको एक ट्रेपेजियम दिखेगा, कैसा क्या दिखेगा बेटा बेटा ट्रेपेजियम ऐसा, इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कोई भी दो साइड क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एस होता है, एस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है ये है कि नहीं, यहां से यहां तक क्या है बच्चों यू प्लस, यहां पैरेलल साइड क्या है यहां से यहां तक क्या है बेटा वी इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा टी, ठीक है। तो लिख सकता हूं बेटा हाफ इंटू यू प्लस वी को वी प्लस, इसको लिखते हैं वी प्लस यू, ठीक है बेटा, और टी है ना। तो देखिए आप बताइए ए का, आप यहां देखिए बेटा, हाँ ए का फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता है बच्चों, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा वी माइनस यू बाई ए, तो वी माइनस यू बाई ए, तो टू ए ऊपर इक्वल्स टू एस है कि नहीं। तो यहां पे ना बेटा 2 इंटू ए इंटू एस इक्वल्स टू क्या होगा वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए एस, ये रहा हमारा डिराइव हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से तीनों ड्राइव करना, समझ आएगी नहीं, एग्जाम में कोई एक ही आएगा, एग्जाम में ये आएगा, डायग्राम बनाना यहां से यहां तक कर देना, बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग इसको समझ सकते हो, समझ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा करना, वीडियो के साथ साथ कॉपी लेके बैठना बेटा और उसको सॉल्व करते जाना, ठीक है, ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, समझ में आएगी नहीं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं सेम काइनेमेटिक इक्वेशन को देखते हैं हम तुम्हारा इंटीग्रेशन मेथड से, बेटा अब सो जाओ पापा तो बना रहे हैं, सो जाओ, नींद नहीं आ रहा है हाँ। चलो बेटे बच्चों यहां देखो काइनेमेटिक इक्वेशन से हम तीनों प्रूफ करते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं v equals to u plus at। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप v को क्या लिख सकते हैं, या फिर आप v को छोड़िए a को क्या लिख सकते हैं, dv by dt लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv by dt होता है बेटा, पापा वीडियो बना रहे हैं ना, एक्सेलरेशन का, सॉरी यार मेरे मेरी बेटी डिस्टर्ब कर रही है पर कोई बात नहीं, ए का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डीटी है कि नहीं, तो मैं डीटी को ऊपर भेज देता हूँ, तो ए डीटी को इसको क्या होगा डीवी होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा बेटा, ये आपको बस याद करना है। देखिए इंटीग्रेशन मेथड आपको याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इसको आप समझने का कोई खास तरीका है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा तो हम दोनों साइड में क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अच्छा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, और ये लगा देते हैं, अच्छा वी का फॉर्मूला क्या होता है यू से लेके वी तक, तो ये हो जाएगा ए डी टी का क्या होगा बेटा टी, कहां तक टी से लेके जीरो तक, डीवी का क्या होगा बेटा वी, कहां से लेके कहां तक यू से लेके वी तक, तो ए टी माइनस जीरो इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा वी माइनस यू, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये आपका पहला फॉर्मूला डेराइव हो गया, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं पहला फॉर्मूला डेराइव, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला डेराइव हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम डेराइव करते हैं सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, काफी इजी रहेगा, ठीक है बच्चों। आप देखिए, हाँ यहां देखिए बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, सेकंड वाला फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, बी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डीएक्स बाई डीटी लिख सकते हैं कि नहीं, तो बी इंटू डीटी क्या होगा इक्वल्स टू डीएक्स होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा, अच्छा बी को हम क्या लिख सकते हैं यू प्लस ए टी ऑफ होल डीटी इंटू डीएक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन का एक रूल बताता हूं, आप याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन का एक रूल ना, जो मैंने आपको यहां नहीं बताया, जो मुझे यहां बताना चाहिए था, बट ये बहुत ऑब्वियस है, अगर x का पावर n को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन, बाई नीचे भी होता है n प्लस वन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 9, आप देख लीजिएगा x का पावर 10, सीधा क्या लिखना है बेटा बोलो तो,
x का पावर 10 डिवाइड बाय 10, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 100, तो होगा x का पावर 101, नीचे होगा 101, इस टाइप से होता है, ठीक है बेटा। अगर होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहां में कोई भी x नहीं है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 इंटू dx ना बेटा, तो पावर क्या होता है, एक बढ़ जाता है ना, और नीचे भी 1 मतलब x, ठीक है। तो देखिए u, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो u dt का क्या होगा बेटा, u इंटू टी, अच्छा a का सॉरी प्लस a t dt है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt मतलब t स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। x इक्वल्स टू होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, x को हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये रहा आपका सेकंड फॉर्मूला जरा हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वन शॉट बना रहा हूं, तो इसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझा नहीं सकता, तो मुझे लगता है इतना मोर देन इनफ है, इतना याद कर सकते हो, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ठीक है बच्चों, थर्ड के अंदर क्या है, चलिए साफ करने वाला कहां है, ये रहा, देखिए एक और चीज मैं आपको करा देता हूँ, बताइए क्या, देखिए थर्ड वाला फॉर्मूला ड्राइव करा देता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, थर्ड वाले के लिए, ठीक है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डीटी होता है कि नहीं होता है बच्चों, ए का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डीटी होता है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा ए इक्वल्स टू डीवी बाई डीटी, एक डीएक्स मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, एक डीएक्स नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये आपको स्टेप्स याद करना पड़ेगा, स्टेप्स टू रिमेम्बर, ये आपको स्टेप याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है बच्चों, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt, मतलब मैंने इसको यहां कर दिया और इसको मैंने यहां कर दिया, बस इंटरचेंज कर दिया है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, dv बाई dx इंटू dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो a dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू dv, समझ में आया बच्चों। अच्छा अब आपको क्या करना है, देखिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो a का dx का क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, s हो जाएगा, है कि नहीं, और v dv का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पर ये कहां से कहां होगा, ये होगा u से लेके v तक, और ये कहां से कहां होगा, 0 से लेके s तक, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, a और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, s माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, ये हो जाएगा v टू u, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो a s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो 2 a s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्री फॉल की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, फ्री फॉल की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं बेटा, फ्री फॉल टॉपिक हमारा क्या है बेटा, फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब क्या होता है, फ्री फॉल मतलब होता है जब भी आप किसी बॉडी को छोड़ देते हो, किसके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। एक मिनट रुकिए, तो